हेलो एवरीवन, आई होप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि बिना मसाले वगैरह डाले हुए आपको भिंडी किस तरीके से बनाए, क्योंकि बच्चों को बनाना, जो बच्चे पढ़ाई करते हैं उन्हें बनाना मुश्किल हो जाता है। तो सबसे पहले लहसुन और ये लहसुन की कलियाँ ले लेंगे और मिर्च काट लेंगे आपको जितना तीखा चाहिए। फिर कढ़ाई में हमको ऐड करना है सरसों का तेल या फिर जो भी तेल में आप खाते हो वो तेल ले सकते हैं। उसमें हल्का सा लहसुन मिर्च हल्का सा जब फ्राई हो जाए तब हमें प्याज जो कट करके हमने रखा हुआ है, भिंडी को हमने थोड़े बड़े बड़े स्लाइसेस में कट किया है आप, बट जितना बड़ा काट सकते हैं उतना काट सकते हैं, बहुत ही बढ़िया फ्लेवर लाते हैं। तो इसमें मसाले वगैरह हमें बिल्कुल भी नहीं ऐड करना है। इस तरीके से कढ़ाई में ऐड कर देने के बाद हमें अच्छे से लहसुन मिर्च और तेल को अच्छे से मेल्ट कर देना है, ताकि पूरी भिंडी और प्याज में अच्छे से मेल्ट हो जाए। इस तरीके से मेल्ट करने के बाद ही आपको इसे 5 मिनट के लिए ढकना है। तो 5 मिनट ढकने का प्रोसेस आपको बहुत ही ध्यान देना है, क्योंकि 5 मिनट ढकने के बाद भिंडी का कलर बिल्कुल चेंज हो जाता है। तो आप यकीन नहीं मानेंगे, अगर आपको भिंडी बिल्कुल हरी हरी रखनी है तो आप बिना ढके बनाएंगे तो आपकी भिंडी बिल्कुल भी हरी हरी ढकी हुई बनेगी, हरी की हरी पड़ी रह जाएगी। तो मेरा ये ट्रिक आप ज़रूर अपनाइएगा, भिंडी को बिना ले जो है मसालों के बनाइएगा। देखिए भिंडी का कलर बिल्कुल भी चेंज हो गया, हमें बिल्कुल चलाते ही हुए इस तरीके से पकाना है ताकि नीचे से पकड़े ना। जब हमारी भिंडी होने के प्रोसेस में आती है तो वो नीचे खुद ब खुद पकड़ने लगती है। तो हमारा थोड़ा सा पकने का प्रोसेस तैयार हो गया था, तो हमने इसमें स्वाद अनुसार नमक ऐड कर दिया। बट आप भी ऐसे ही बनाइएगा, बिना मसालों की भिंडी बनाना बहुत ही आसान और बहुत ही सिंपल सा तरीका है। इसे कोई भी बना सकता है, कभी भी बना सकता है, जब चाहे तब बना के इसे खा सकता है। तो ये देखिए हमारी भिंडी इस तरीके से बिल्कुल पक के रेडी हो गई थी। अब हम इसमें इस तरीके से चला के 5 मिनट के लिए फिर से हम दोबारा से इसे ढक देंगे। ढकने के बाद ये देखिए नीचे से तेल वगैरह छोड़ने लगती ना, तो आपको लगेगा कि ये भिंडी बिल्कुल पकी है कि नहीं पकी है, बट एक एक भिंडियाँ इसमें टूटने के प्रोसेस में आ गई हैं। तो ये समझ लीजिए कि ये बिल्कुल पक के रेडी हो गई। तो इसे मैं एक प्लेट में निकाल के आपको दिखाती हूँ। ये देखिए पास ला के मैंने दिखाया आपको, और इसे इसकी अब मैं प्लेटिंग करके दिखाती हूँ कि प्लेट में ये कितनी बढ़िया देखने में भी लग रही थी। जो लोग मसाले नहीं खाते होंगे तो वो ये मसाले वाली ये भिंडी सिंपल तरीके की बनाएं, बहुत ही अच्छा फ्लेवर लाती है और बहुत ही अच्छा स्वाद लाती है। तो दोस्तों ये वीडियो अगर मेरी आपको पसंद आती है तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर किया करिए। आपको देसी खानों से रिलेटेड जो भी रेसिपी चाहिए आप कमेंट करके बता सकते हैं, वो रेसिपी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो अगली वीडियो में फिर मिलती हूँ, तब तक के लिए बाय बाय।